أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم I am محمد زیف فاروق Last time ہم نے exercise 2.5 question number 9 تک attempt کیا تھا پر آج اس سے آگے move forward کرنے کے لیے سے پہلے ہمیں derivative of trigonometric inverse functions inverse trigonometric یعنی کہ اگر ہمارے پر trigonometric functions تھے sine, cos, tangent تو ان کے inverse ہوں گے sine inverse and cos inverse and tangent inverse تو آج ہم inverse functions اور trigonometry کی derivatives کی بات کریں گے first of all ہم پہلے لکھ لیتے ہیں جیسے ہم نے پہلے جب میں آپ کو derivatives بتا رہا تھا تب لکھے تھے y is equal to sin inverse x y کا derivative dy over dx اسی طرح y is equal to cos inverse dy over dx y is equal to tangent inverse x dy over dx फिर यहाँ पे y is equal to cot inverse x dy over dx y is equal to secant inverse x dy over dx is equal to and y is equal to cosecant inverse x and dy over dx is equal to students y is equal to sin inverse x کا derivative 1 over 1 minus x کے اندر اب cos کے لیے اسی term کے ساتھ صرف آپ minus لگا دیں اب ٹینجنٹ کے لیے 1 over 1 plus x سکیئر اب اور کوٹ کے لیے ٹینجنٹ والے کے ساتھ آپ مائنس لگا دیں اگر آپ بات کریں ہم سیکنڈ انورس کی 1 over x کا موڈ انٹو x سکیئر مائنس 1 اگر y is equal to cosecant inverse s کی بات کریں تو آپ اس ٹرم کے ساتھ مائنس لگا دیں اور as it is لکھ دیں اگر آپ کو ان تینوں کے یاد ہو جائیں sin cos اور sin کے tangent کا اور secant کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sin والے کے ساتھ مائنس لگا دیں تو cos inverse کا tangent inverse والے کے ساتھ minus لگا دیں تو وہ cot inverse کا اور secant inverse والے کے ساتھ minus لگا دیں تو وہ cosecant inverse کا ہے اب ہم exercise میں اس کے بارے سے جو questions ہیں ان کی بات کریں گے پر اس سے پہلے آپ لوگ ایک اور چھوٹا سا نوٹ لکھ لیں گے نوٹ کی شکل میں آپ لکھ لیں یہاں پر y is equal to cos inverse x over a اگر کوئی فنکشن ہے ہمارا سوری یہ سوال ہے y is equal to x over a صرف آپ دیکھ لیں نوٹ کی تو آپ دیکھیں کہ
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 ओवर a, ए कॉन्स्टेंट और x, और डी वाई ओवर डी एक्स अगर इसका डेरिवेटिव लें तो 1 ओवर a ऐसे ही और x का डेरिवेटिव 1, सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर a। स्टूडेंट्स अगर अब बात की जाए एक और नोट की कि ए ओवर एक्स आ जाए अगर हमारे पास, तो आप इसको लिख सकते हैं ए इंटू 1 ओवर एक्स, फिर आप वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की पावर -1। अगर इसका आप डेरिवेटिव लें ये ऐसे ही, तो यहाँ -1 शुरू में इसकी पावर -2 एक पावर कम करके और एक्स का डेरिवेटिव पावर 1, सो योर डी वाई ओवर डी एक्स विल बी -a, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा और ये नीचे जाके एक्स की पावर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएंगे। क्या है कि डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स ओवर ए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स एज यूजुअल डिफरेंट करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो अब देखें डी वाई ओवर डी एक्स कोज इनवर्स एक्स का, अब याद करने के आपको मैंने डेरिवेटिव बताया था वहां पर हमने बात की थी कोज इनवर्स एक्स की, तो उसका मैंने आपको बताया था कि -1 ओवर 1 मनफी एक्स का स्केयर, तो यहाँ पर एक्स क्या था एंगल था, पर यहाँ पर हमारे पास एंगल अगर आप देखें तो एक्स ओवर ए है, तो हम इसी तरह -1 ओवर 1 मनफी एंगल की जगह एक्स ओवर ए का स्केयर ओवर अंडर रूट। पर याद रखें कि हम, और साथ मैंने यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि हम पीछे पढ़ते हैं कि हम एंगल का डेरिवेटिव ही लेंगे, पर अगर यहाँ मैं एंगल का डेरिवेटिव लेता तो वो एक्स है, एक्स के डेरिवेटिव 1, तो इसमें से लिखने की जरूरत नहीं थी, दोबारा वही जवाब आना था। पर अगर अब हम बात करें यहाँ एंगल तो एक्स नहीं है एक्स ओवर ए है, तो आप मेंशन कर लीजिए मेंशन डी ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव हम लेंगे एक्स ओवर ए, ये हमारा एंगल, सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 1 मनफी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, फिर आप इसको 1 ओवर a बाहर ले लें और डी ओवर डी एक्स इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि 1 ओवर हमने बाहर ली क्योंकि कॉन्स्टेंट है, सो -1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इसका अंडर रूट और ये 1 ओवर a। स्टूडेंट्स अगर और बात करें इसको इवेल्युएट करें थोड़ा सा, तो ये देखें ये जो ए स्केयर है हमारे पास ये निकल आएगा बेटे से बाहर, स्केयर रूट से बाहर जा जाएगा, तो ये नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ओवर डी वाई ओवर डी एक्स विल बी -a ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर आपके पास 1 ओवर है, ए से ए आपका कट जाएगा तो आपका डी वाई ओवर डी एक्स आफ्टर सिंपली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा -1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का अंडर रूट। स्टूडेंट्स यही आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन 10 पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। वाई इज इक्वल टू 1 ओवर a, सॉरी वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स ओवर a,
इसका आप डेरिवेटिव लेंगे y का डी y ओवर डी एक्स। स्टूडेंट्स एज यूजल टेंजेंट का था हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 और कोट टेंजेंट का था 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या था, एंगल था हमारे पास, यहाँ एंगल तो है एक्स ओवर ए का स्क्वायर हो जाएगा। और हमने कोट के लिए पढ़ा था कि हम माइनस टेंजेंट इनवर्स के डेरिवेटिव के साथ माइनस वन लगाते तो कोट इनवर्स का डेरिवेटिव बन जाता है। अब स्टूडेंट्स आगे डी ओवर डी एक्स एंगल का डेरिवेटिव जो कि एक्स ओवर ए है हम पहले पढ़ चुके हैं, इस वजह से मैं आगे डायरेक्ट लिख दूंगा इसका डेरिवेटिव, मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करूंगा। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव 1 ओवर ए पहले की तरह बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो यहाँ पर आकर भाई ये 1 ओवर ए ही बच जाएगा। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 ओवर ए। सो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ये ए स्केयर यहाँ डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर इंटू वन ओवर ए, ए ए ऊपर से कट जाएगा यहाँ से इधर एक एक रह जाएगा। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। The students minus a over a square plus x square, this is your answer. अब हम पार्ट नंबर थ्री की तरफ जाएंगे। Students तो पार्ट नंबर थ्री कुछ इस तरह है, वन ओवर ए इंटू साइन इनवर्स ए ओवर एक्स। साइन इनवर्स ए ओवर एक्स स्टूडेंट्स एज यूजुअल इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारे पास टर्म है y इज इक्वल टू तो y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ये कांस्टेंट है जिसको ऐसे ही 1 ओवर a, साइन का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं किस तरह लेंगे 1 ओवर 1 माइनस एंगल का डेरिवेटिव और स्क्वायर सो a ओवर x का स्क्वायर और ऊपर ये अंडर रूट भी, और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इंटू ए बाई एक्स। स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब बस डी वाई ओवर डी एक्स 1 ओवर ए फिर 1 ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट ए बार आ जाएगा और हम एक्स इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए सो 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए फिर ऐसे कैसे ही रहेगा आपका, बल्कि आप यहाँ देखें तो हम ए को इस ए से कैंसिल कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स बाकी हमारे पास एक्स इनवर्स का डेरिवेटिव जो कि माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर आएगा, ये मैंने आपको पहले लेके दिखाया इसका डेरिवेटिव माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब आप देखें ये एक्स स्क्वायर अगर अंडर रूट से बाहर आ जाए तो इधर नीचे डिवाइड करो एक्स रह जाएगा और इधर नीचे डिवाइड करो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स ये वाला ऊपर चल जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट और माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसी को सिंप्लीफाई करेंगे अपने जवाब के लिए
अब देखेंगे यहाँ पे एक एक्स रह जाएगा और ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी -1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर पे अंडर रूट भी है। स्टूडेंट्स यही आपका जवाब है। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स के वाले से दोबारा एक y इज इक्वल टू पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन 10 पार्ट नंबर 4 y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंगल में 1 माइनस एक्स के का अंडर रूट। स्टूडेंट्स एज यूजुअल इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट के हवाले से आप प्रोसेस जानते हैं, वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि 1 ओवर 1 माइनस एंगल का स्केयर, तो एंगल हमारा है 1 माइनस एक्स स्केयर इन अंडर रूट, इसका स्केयर और होल का भी अंडर रूट। तो स्टूडेंट आगे डेरिवेटिव एंगल का डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप देखें तो इसकी पावर अंडर रूट के बजाय हम 1 ओवर 2 लिख देते हैं। अब इसको हम बस इवेल्युएट करेंगे, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर से कट जाएगा और हम माइनस अंदर अप्लाई कर देंगे, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आप देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि पावर शुरू में 1 ओवर 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 ओवर 2 माइनस 1 एक कम करके लिखेंगे। अगर 1 ओवर 2 माइनस 1 को हम डायरेक्ट -1 ओवर 2 लिख दें और फिर पावर के अंदर मौजूद चीज़ का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 का 0 माइनस लगा दें आप और एक्स स्क्वायर का 2x। स्टूडेंट्स अब इसी को और इवेल्युएट करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 से 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर जो अंडर रूट से खत्म होगा तो एक्स रह जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपका ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और बाद में आपके पास सिर्फ एक्स रह जाएगा। सो एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आके पॉजिटिव का पावर 1/2 और ये अंडर रूट लिख देंगे 1/2 को, एक्स इज कट बाय एक्स और आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आपका जवाब आ जाएगा। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सो स्टूडेंट्स दिस इज योर आंसर। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ आएंगे। पार्ट नंबर 5 कुछ इस तरह है, वाई इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इसमें क्या है कि डी वाई ओवर डी एक्स आप वाई का डेरिवेटिव ले लेंगे और आप देखेंगे कि सेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा कि 1 ओवर, हमने वहाँ एक्स का मोड लगाया था, मोड अगर ख़त्म किया जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव आता है, पर हम यहाँ पर पॉजिटिव ही लिखेंगे। अगर वो हमें कोई इस तरह की लिमिट देता है कि एक्स इज लेस देन 0 यानी कि एक्स नेगेटिव है तो फिर हम माइनस लिखते हैं, पर यहाँ कोई ऐसी टर्म मौजूद नहीं है, हम एक्स को पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्स का मोड यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्या था एंगल था, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर
अंडर रूट में एंगल का, एक्स का स्केयर -1 था, यानी कि एक्स क्या था, एंगल था, तो एंगल हमारा एक्स स्केयर +1 ओवर एक्स स्केयर -1 होल का स्केयर, और इसके बाद फिर -1। और स्टूडेंट इसके बाद आगे डेरिवेटिव एंगल का एक्स स्केयर +1 ओवर एक्स स्केयर -1। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, डी वाई ओवर डी, अब हमने सिर्फ इसी को इवेल्युएट करना है, इसको इवेल्युएशन के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वही इसका मेन आंसर है। तो आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये इधर नीचे होगा, फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो नीचे टर्म्स होंगी इधर डिवाइड हो रही होंगी उनको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेसिकली आपका जवाब फर्दर इसको फिर इसका क्वेश्चन रूल लगा के आप डेरिवेटिव ले लेंगे। हमने क्वेश्चन रूल को पीछे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। फिर आपका जो जवाब आएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस, डी वाई ओवर डी एक्स विल कम -2 ओवर एक्स स्क्वायर +1। आप ट्राई कीजिएगा इसको, इंशाल्लाह बहुत आसान है ये, बार बार लंबे प्रोसेस करने से क्या होता है, सुबह से क्वेश्चन करते कि हमें इसके आगे जाके क्या जरूरत पड़ेगी। बेसिकली पढ़ाने वाला ये नहीं बता सकता कि आगे इनके रूल्स क्या होंगे, कहाँ किस फील्ड में अप्लाई होंगे। बहरहाल डेरिवेटिव कितनी भी कशमकश हो, कितनी भी उलझी हुई हो, आप ये पता लगा सकते हैं कि जैसे हमने वाई के अंदर चेंज देखा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप अपनी मैथ के आगे टर्म्स इंजीनियरिंग में जाएंगे, आप देखेंगे कि हम अगर इस चीज़ का रिलेशन क्या है, यानी कि वाई का रिलेशन यू है सेकेंड इनवर्स एक्स स्क्वायर +1 और एक्स स्क्वायर -1, तो हम अगर एक्स को एक भी ऊपर नीचे करेंगे तो क्या चेंजिंग आएगी, तो इस तरह की कुछ चेंजिंग आएगी इसके अंदर। तो हम रिलेटिव चेंजेस देखते हैं कि आपने किसी चीज़ की लंबाई को बढ़ाया, आगे जाके आप इंजीनियरिंग में देखेंगे तो आपको क्या चीज़ लंबाई से बाकी एरिया वगैरह पर क्या फ़र्क वगैरह पड़ेगा। यहाँ पर हम डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे लेट करके कैलकुलेट कर लेते हैं, सो ये आपको आगे बहुत काम देगा। पार्ट नंबर अगर 6 की बात की जाए, सो स्टूडेंट्स दिस इज पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, x एंगल है पर इधर एंगल की जगह 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स एज यूजुअल y का डेरिवेटिव आप लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, और कोट का लेते हुए आप डेरिवेटिव लिखेंगे माइनस और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स क्या था, एंगल था वहां पर 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एंगल, और आगे एंगल का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन रूल लगेगा, यहाँ पे आप फिर इसको एलसीएम, सो इसका स्क्वायर खोल के एलसीएम लेके फिर जो नीचे टर्म आएगी डिवाइड हो रही होगी, यहाँ पर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बेसिकली फिर आपका जवाब कुछ इस तरह निकलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2 ओवर 1 प्लस एस के। तो इसका जवाब बिल्कुल आपके पहले की तरह, पिछले पार्ट की तरह निकलेगा, बट कुछ तरीका और होगा क्योंकि क्या एंगल चेंज हुआ है। अब हम पार्ट नंबर 7 की बात करेंगे, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंगल है, सो स्टूडेंट्स सेम आप y का डेरिवेटिव लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स, सो कोस इनवर्स के बाद से आप जानते हैं कि -1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्केयर, एक्स क्या था एंगल था वहां पर 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर का स्केयर और अंडर रूट में, फिर एंगल का आगे फर्दर डेरिवेटिव डी ओवर डी है 1 माइनस एक्स स्केयर 1 प्लस एक्स स्केयर। तो पहले की तरह आप इन चीजों को सॉल्व कर लेंगे और आपका जवाब कुछ इस सूरत में निकलेगा बुक के अकॉर्डिंग 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सुनो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो जाता है, पर
ट्वेल्थ से पहले, सॉरी 11th क्वेश्चन से पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा सा देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 बेसिकली कुछ इस तरह है, 11 हम इसके बाद करेंगे अभी इंशाल्लाह, कि इफ y इक्वल टेंजेंट इनटू p टेंजेंट इनवर्स x शो दैट 1 प्लस x स्क्वायर इनटू y1 माइनस पी इंटू 1 प्लस y² इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या है, आप अपनी टर्म को दोबारा लिख लें कि y इज इक्वल टू टेंजेंट पी टेंजेंट इनवर्स x। अगर आप देखें कि हमारे ये वाला टेंजेंट उधर आके टेंजेंट इनवर्स वाई हो जाएगा, फिर पी आपके पास रह जाएगा और टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो अब इसको डिफरेंशिएट करें, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, आपको कुछ बड़ा लग रहा होगा बट जब हम पूरा कंप्लीट करना देखेंगे बहुत छोटे प्रोसेस में हम इसको प्रूव करेंगे। तो टेंजेंट इनवर्स वाई का, टेंजेंट इनवर्स एक्स की हमने जब बात की थी तो उसका एंगल हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। जस्ट यहाँ पर उसने एंगल चेंज कर दिया, हमारे पर टेंजेंट वाई का डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर 1 प्लस y स्क्वायर। और आगे एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई का डेरिवेटिव dy/dx। तो स्टूडेंट्स आगे आप आ जाएं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम y1 किसको कहते हैं। तो p डॉट पी कॉन्स्टेंट है वो ऐसे कैसे ही, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर और एंगल एक्स है उसका आगे फर्दर डेरिवेटिव 1 ही आएगा, तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ कि y1 किसे कहते हैं, आप आगे जाकर क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि वो कहेगा फाइंड y4। y4 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं d4y/dx का 4। बेसिकली आप एक टर्म का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो आप उसे dy/dx लेते हैं, जब आप दूसरी दफा लेते हैं d2y/dx² लिखते हैं, और तीसरी दफा जब आप उसका लेंगे d3y/dx³ लिखेंगे, और चौथी मरतबा आप उसका डेरिवेटिव d4y/dx⁴ लिखेंगे। आप इस पहले डेरिवेटिव को y1, दूसरे डेरिवेटिव को y2 और तीसरे डेरिवेटिव को y3 और चौथे को y4 कहते हैं। तो बेसिकली ये dy/dx जो है यही y1 की हैसियत रखता है यहाँ पर। तो आप लिख सकते हैं 1 ओवर 1 प्लस y² × y1 इज इक्वल टू p/(1/1+x²). स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा और इवेल्युएट करेंगे, आप देखेंगे कि ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, ये इधर हो जाएगा और ये इधर। सो 1 प्लस x² × y1 इज इक्वल टू p/(1+y²), और फिर 1 प्लस x² × y1 − p/(1+y²). आपने देखा 1 प्लस x² × y1 − p/(1+y² इज इक्वल टू 0, ये वाली टर्म इधर आके माइनस होगी, और आपको यही प्रूव करना था। आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, दैट इज योर आंसर। अब हम पार्ट नंबर 11 की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। सो व्हाट इज ही आस्किंग इन क्वेश्चन नंबर 11, वो कहता है शो दैट dy/dx इज
इक्वल टू वाई ओवर एक्स इफ अगर वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई। स्टूडेंट्स आप अपनी टर्म तो अकबर लिखी हुई है, इसको दोबारा लिख लें, वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें अपनी इस टर्म को, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन रूल लगेगा। पहले एक्स ऐसे ही लिखेंगे, वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, फिर आप माइनस लगा देंगे। अब आप वाई को ऐसे ही लिखेंगे और एक्स का डेरिवेटिव वन, नीचे आप एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई का आप डेरिवेटिव अगर याद रखें तो वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी कि एंगल का डेरिवेटिव एक्स ओवर वाई का स्क्वेयर, और आगे फर्दर एंगल का डेरिवेटिव यानी कि एक्स ओवर वाई का डेरिवेटिव जो कि है डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स ओवर वाई। द स्टूडेंट्स एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर, और इसका आप दोबारा डेरिवेटिव देखें, क्या अब ये वाई ऊपर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस आप एक्स को आप ऐसे लिखेंगे और वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स और नीचे वाई का स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स दोबारा इसको इवेल्युएट करेंगे, एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर सॉरी वाई स्क्वेयर, एलसीएम हमने ले लिया, इधर भी वाई स्क्वेयर बच जाएगा और वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स ओवर वाई स्क्वेयर। आप देखें ये बट्टे में से बटा कैंसिल हो जाएगा आपके पास। आप इसको आप थोड़ा सा और इवेल्युएट करेंगे, फिर हम इधर इसको और इवेल्युएट कर लेते हैं। सो एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स आप इसमें से देखेंगे कि वन ओवर एक्स स्क्वेयर आप इसमें से कॉमन ले लें डिवाइड हो जाएगा, और एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन ओवर आपके पास इधर से वाई आ जाएगा, आप वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लिख लें। हम पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ये वाली टर्म, और फिर हमारे पास इधर से वाई इंटू वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स वन ओवर एक्स स्क्वेयर, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास एक एक्स नीचे रह जाएगा विच विल बी वन ओवर एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वेयर। इसके बाद आप लिख लें वन ओवर वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और फिर अंदर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। फ्रेंड्स अब हम और क्या करेंगे कि हमारे पास आ गया वन ओवर एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और यहाँ पर आपके पास ये माइनस का साइन भी आएगा, वाई एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। जब आप डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें कि वन ओवर एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, इधर ये आपकी टर्म माइनस हो रही है, इधर आके प्लस हो जाएगी, एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई ओवर
dx, और उसके बाद आपका इस तरफ y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस y ओवर x स्क्वायर रह जाएगा। इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, dy ओवर dx कॉमन ले लेते हैं, और अंदर अब 1 ओवर x इन प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रह जाएगा। और इसके अंदर आप अगर देखें, आप y को कॉमन ले लें तो आपके पास 1 ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर रह जाएगा। अगर अब आप इसको और इवेल्युएट करें तो आप dy ओवर dx यहाँ दोबारा लिखें, इसका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाई आप यहाँ लिखें। अब इसके एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इस ऊपर वाली टर्म से, ये वाली जो ऊपर वाली टर्म है इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और इस वाली टर्म से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आपका ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, और इस एक्स से इधर से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपके पास इस टर्म में से कुछ भी नहीं रहा, तो आप डी वाई ओवर डी एक्स इधर से रह गया और उधर से एक वाई रह गया, और इधर ये वाला एक एक्स जो यहाँ से बचा था हमारे पास वो रह गया। तो आपने प्रूव कर दिया कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। स्टूडेंट्स आज तक के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, अल्लाह।